क्या हुआ? बात क्या है मॉम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कलेक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए कलेक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, प्लीज उसे बचा लीजिए कलेक्टर साहब, प्लीज बचा लीजिए कलेक्टर साहब। उसकी गलती के लिए हम माफी मांगते हैं, हमारे इकलौते बेटे की जिंदगी बर्बाद होने मत दीजिए, प्लीज उसे माफ कर दीजिए कलेक्टर साहब, नहीं प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे छुड़वा दीजिए, क्या होगा हमारे बेटे का, बचा लीजिए, आप अपना केस वापस ले लीजिए। उस राक्षस इंसान ने आपके बेटे से हमारी बहन को बचाया, उस पर जानलेवा हमला हुआ है और हमें शक है कि वो हमला सनी और उसके दोस्तों ने करवाया, इसीलिए आप लोगों की बेल एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है। तुम किसकी बात कर रहे हो शिव? जगदीश की। उसी ने साक्षी को सनी और उसके दोस्तों से बचाया और इसीलिए हमें शक है कि उन्होंने अटैक किया उस पर। सुनिए, अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं और हर मां बाप को यही लगता है कि उनका बच्चा गलत नहीं हो सकता। अगर अपने बेटे का भविष्य सुधारना चाहते हो तो उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय, उसका बचाव करने के बजाय उसे अपने किए की सजा भुगतने दीजिए। तभी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और तभी वो एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। कद्दू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वैसे भी इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैटर सब चूरियस है, अब कोर्ट ही फैसला करेगी कि आपका बेटा निर्दोष है या नहीं। सब आप जा सकते। बड़ी बात हो गई और किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। मेरे बच्चे के साथ इस तरह समझने की कोशिश करो, हम लोग तो आज क्या समझो आलोक, बताइए क्या समझने की कोशिश करूं और आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं? जो सच है वो सामने आ गया है और वो ये है कि हम सब, हमारा पूरा परिवार इस घर की बेटी की रक्षा नहीं कर सके। हाँ मैं नाराज होके गई थी, लेकिन यही थी ना इसी दुनिया में साची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया लो, किसी ने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। क्यों आलोक, साची सिर्फ आपकी नहीं हम दोनों की बेटी है, ये याद है ना आपको? ऐसी बात नहीं हीरा, मैं इवन आज ही तुम्हें बताने वाला था घर आकर। आज बताने वाले थे तब क्यों नहीं जब ये सब हुआ? रोज दिन हमसे फोन पे बात होती थी आपकी, आप सब लोग मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन किसी ने साची के बारे में मुझे नहीं बताई ये बात। भूल गए थे आप लोग या आप लोग इतने बिजी थे कि 5 मिनट का समय नहीं था आपके पास मुझे बताने के लिए? क्या होता मुझे बता देते तो मैं 1000 सवाल करती कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, रोती चीखती चिल्लाती नाराज होती और आप सबको मुझे समझाना पड़ता है, यही ना? लेकिन आप लोगों को यह करना बहुत मुश्किल लगा, कौन इतनी मेहनत करे
जाने दो, छोड़ दो। यही सोचा ना आप लोगों ने, इसलिए चुप रह गए ना आप लोग। ये तो भगवान की कृपा है और जगदीश की मेहरबानी है कि सांची सही सलामत है, लेकिन कितने दुख की बात है आलोक, इतनी बड़ी बात मुझे अपने घर वालों से नहीं, उन बाहर वालों से पता चल रही है। वो भी उस लड़की के मां बाप से जिसने साक्षी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। साची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और मैं उसकी माँ, उसको संभालने के लिए उसके पास नहीं थी। आप लोगों ने कभी सोचा कि साची को कैसा लगा होगा? उस वक्त उसे अपनी माँ की जरूरत थी या नहीं? औरत हूं मैं और समझ सकती हूं कि किसी औरत के साथ अगर इतना बुरा हो तो उसे अपने आप को संभालना कितना मुश्किल होगा। और मैं अपनी बेटी को गले लगाकर उसके आंसू पोंछकर सांत्वना देने के लिए वहां नहीं थी आलोक, और ये सब कुछ वो आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने मुझे इस लाइक समझा ही नहीं मोहन। बस शिव, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है शिव, बहुत देर हो गई। अगर वो लड़के जिन्होंने सांची के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, किसी भी तरह की चालाकी करके बच निकले, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शिव। मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत कीजिए आलोक, सिर्फ इतना बता दीजिए कि यह सब क्यों हुआ। साची, कुछ बात करनी है तुमसे। बाद में भाभी, अभी मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी तुम्हारा, बात बहुत जरूरी है इसलिए। कहिए।
सांची, मुझे लगता है कि जग्या की तबीयत अब पहले से काफी ठीक है। डॉक्टर्स ने ड्रिप भी हटा दिए हैं, ठीक से खा पी रहा है वो, तो अब हमें उदयपुर लौट चलना चाहिए। मैं दादी सा से कह देती हूँ, वो आज ही हमारे जाने का इंतजाम कर देंगी। एक मिनट भाभी, हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव। जगदीश की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, लेकिन अब भी हॉस्पिटल में है वो, विच मीन्स पूरी तरह से ठीक नहीं है वो, देखभाल की जरूरत है उन्हें, वरना डॉक्टर्स उन्हें खुद डिस्चार्ज कर देते। लेकिन आप, लेकिन साची, उसकी देखभाल करने के लिए और लोग भी है यहाँ। बस भाभी, अब मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जगदीश के पूरी तरह से ठीक होने तक मैं यही रहूंगी, एंड माई डिसीजन इज फाइनल। सांची, जग्या के लिए तुम्हारी फिक्र वो नहीं है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए होती है। तुम्हारा रिश्ता दोस्ती की सीमा से कहीं आगे बढ़ चुका है। मुझे कुछ करना होगा, वरना दोनों घरों के रिश्ते उलझ कर रह जाएंगे। सांची का फोन तो कैसी है बेटा तू? मैं आनंदी बोल रही हूँ माँ। कैसी हैं आप और घर कब आ रही हैं? घर तो मैं लौट आई हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे लग रहा है कि शायद मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? एक बहू के रूप में मुझे बहुत उम्मीद थी आनंदी तुमसे, लेकिन तुमने वो सारी उम्मीदें तोड़ के रख दी। मेरी गैर मौजूदगी में ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना? फिर कैसे हो गया साची के साथ ये सब कुछ? तुमने मुझसे वादा किया था आनंदी कि शादी के बाद सांची तुम्हारी बहन जैसे होगी, लेकिन ना तो मुझे वो रिश्ता दिख रहा है और ना बहनों वाला प्यार और परवाह। मैं जानती हूं कि तुम सांची को पसंद नहीं करती हो, लेकिन फर्ज पसंद देख के नहीं निभाए जाते आनंदी। तुमने क्यों नहीं सांची का ध्यान रखा आनंदी? क्यों नहीं की परवाह उसकी? तुम्हें तो पता था ना कि वो पार्टी में जा रही है, फिर कैसे नहीं तुमने जाके देखा कि वो कौन से कपड़े पहन के जा रही है? तुम कम से कम सजेस्ट तो कर सकती थी उसे। अपने परिवार की तो बहुत फिक्र रहती है तुम्हें आनंदी। उदयपुर में रहते हुए जैतसर में क्या हो रहा है इस सब का ख्याल रखती हो तुम, और मैंने तुम्हें कभी मना भी नहीं किया, लेकिन आज मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत महसूस हो रही है कि प्लीज थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा ध्यान अपने इस परिवार का भी रखो। भाभी, आपने मेरा फोन देखा? किसका फोन है? माँ का। सांची को फोन दो। माम, आप थोड़े दिन के लिए गई और ये सब क्या हो गया? You don't know, Mom. मैंने आपको कितना मिस किया। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मुझे किसी ने फोन नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, बस एक फोन तो करनी थी मुझे। मैं करना चाहती थी मॉम, लेकिन जो हुआ उसके बाद मैं खुद को ही फेस नहीं कर पा रही थी। तो आपसे क्या कहती, क्या बताती आपको? मैं महसूस कर सकती हूँ, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लोग टीके कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। बेटा, अब तो जल्दी से वापस आ जा। मैं अभी आ जाती मॉम, लेकिन जगदीश ने जो मेरे लिए किया है उनकी इस हालत में मुझे उनके साथ होना चाहिए।
जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मेरा वापस आना सही नहीं होगा। हाँ तो ठीक कह रहे, जगदीश के एहसान के बारे में मुझे पता चला, आलोक ने बताया। जगदीश से कहना कि मैं और ये पूरा परिवार पूरी उम्र के लिए उसके कर्जदार हो गए। हमारा बहुत बहुत थैंक्स देना उसे बेटा। जी मॉम, और जैसे ही जगदीश ठीक हो जाएंगे मैं घर वापस आ जाऊंगी। आई लव यू मॉम, मिस यू, आई लव यू टू। मन नहीं है मेरा। दीदी दरअसल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं भी आपसे माफी मांगती हूं। कहीं ना कहीं जाकर हम सभी से लापरवाही हुई है। यही सोचकर कि सांची एक जिम्मेदार लड़की है, इंडिपेंडेंट है, अपना खुद का ख्याल खुद रखना जानती है, लेकिन है तो वो बच्ची ही ना मिलो, कैसे सहा होगा उसने वो अपमान, कैसा महसूस कर रही होगी उन पलों में। मेरी अभी अभी उससे बात हुई, जो हुआ वो गुजर गया है दीदी, हमें तो ईश्वर का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी होनी से हमें बचा लिया, और साथ ही साथ जगदीश का भी। जैसी सांची की फ्रेंड ने उसे बताया कि सांची पार्टी में नहीं है तो उसने तुरंत सही कदम उठाया और उसे ढूंढना शुरू किया, और उन सब लड़कों के सामने अकेला जाके खड़ा हुआ सिर्फ सांची के लिए। जगदीश ने वाकई में दो बार हमारी बहुत बड़ी मदद की है दीदी। पहले जब पापा जी बीमार पड़े थे तब, और अब सांची के मामले में। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, ब्लड लेवल भी नॉर्मल है, जगह के घाव भी ठीक हो रहे हैं। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब आज हम जगह को घर ले जा सकते हैं ना? हाँ ठीक है, मगर जरूरी है कि उसे दवाइयाँ टाइम पर दी जाए और पूरा पूरा आराम मिले। अगर तुम्हें लगता है कि इन सारी चीजों का ख्याल घर पे रखा जा सकता है तो मैं अभी उसे डिस्चार्ज कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं जगह को देख रेख करने के लिए घर आता रहूंगा। बिल्कुल, इतने लोग हैं घर पर जगह की देखभाल करने के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो हम नर्स भी रख सकते हैं जो घर पर रहकर ही जगह का ख्याल रखे। नर्स रखने की जरूरत नहीं है, वहां पहले से एक नर्स मौजूद है, गंगा। गंगा काफी दिनों से जगह के अंडर नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही है, कुछ दिनों में हमारा हॉस्पिटल भी ज्वाइन करने वाली है, उसे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और वैसे भी गंगा जगह को बहुत मानती है, तो गंगा के हाथ तो जगह को सौंप कर हम निश्चिंत हो सकते हैं। पता है आनंदी, जब गंगा जगह को अस्पताल लेकर आई थी तो जगह की हालत देखकर, बचा लो डॉक्टर साहब को, उन्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उस दिन मुझे लगा कि गंगा जगह की बहुत परवाह करती है। श्रद्धा प्रेम का ही दूसरा पहलू है। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति श्रद्धा या आदर भाव का प्रेम में परिवर्तित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है, किंतु अक्सर इंसान स्वयं इस परिवर्तन को नहीं समझ पाता।